हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की ITR 4 कौन कौन जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इसमें कुछ नहीं करना, इस तरह का आपको एक सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। और इसके अलावा आपको इस तरह की एक घंटी का निशान दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरी उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इनकम टैक्स का फॉर्म नंबर 4 वही जमा कर सकते हैं जो कि प्रीजम्प्टिव इनकम की जो स्कीम है उसको फॉलो या ऑप्ट करते हैं। तो इसके लिए किसी की भी टर्नओवर या सेल 2 करोड़ या इससे नीचे है वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल है जिसकी टोटल रिसीप्ट अगर 50 लाख से नीचे है वही इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी की सैलरी है वो 50 लाख से नीचे है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो उसकी टोटल इनकम 50 लाख से नीचे है वही इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको इस स्कीम में आपकी इनकम कितनी मानी जाती, टोटल सेल या आप कहें टर्नओवर या आप कहें रिसीप्ट अगर डिजिटल मोड से अगर आती है, जैसे बैंक के थ्रू आ रही है या आजकल ऑनलाइन हो रहा है उसके थ्रू अगर आपके पास पेमेंट आ रही है तो आप टोटल रिसीप्ट का 6% इनकम मान सकते हैं उसको, और बाकी आप आपके अपने ऊपर है, आप 6% से ऊपर भी मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी रिसीप्ट या टर्नओवर डिजिटल मोड के अलावा किसी अदर्स से है तो आपको मिनिमम टोटल रिसीप्ट का या टोटल टर्नओवर का आपको 8% यानी कम से कम 8% उस टोटल रिसीप्ट का आपकी इनकम मानी जाएगी। तो ये अमाउंट आपको जो माना जाएगा वो आपकी इनकम मानी जाएगी, तो उस इनकम पर आपको इनकम टैक्स लगेगा। तो उन्हीं लोगों के लिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं जो कि प्रीजम्प्टिव इनकम जो स्कीम है गवर्नमेंट की उसको ऑप्ट करते हैं वही फॉर्म नंबर 4 जमा कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 4 कौन कौन जमा कर सकता है और ये कैसे जमा किया जाता है। मैंने आपको इस अपनी वीडियो में डिटेल से समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो और आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने यार दोस्तों को दिखाएं और इसको लाइक करें और हमें बताएं कि हम आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। इसके अलावा आप हमसे कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इस नीचे जो कमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर आप कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अब मिलते हैं हम अपनी किसी दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।